गाइज ये है एक रेडमी का फोन और आज हम इसको बनाने वाले हैं एक गूगल पिक्सल। कैसे? अरे वीडियो तो देख लो। तो गाइज ये है रेडमी नोट 11 और इसमें आता है बहुत सारे ब्लोटवेयर एप्स एज एक्सपेक्टेड। इसी कारण के लिए अगर आपको MIUI पसंद नहीं है, आज इसको गूगल पिक्सल में कन्वर्ट करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग मैसेज, आप इस फोन का पूरी तरीके से बैकअप ले लीजिए। फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, सॉन्ग्स, कॉल लॉग और SMS जो भी है वो पूरी तरीके से डिलीट होने वाला है। इसके बाद आप जो भी इस वीडियो में देख रहे हो उसको ध्यान से करिए और वीडियो को स्किप ना करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस इनेबल करिए। MIUI वर्जन पे 8 से 10 बार टैप करने से ये मैसेज आएगा, यू आर नाउ अ डेवलपर। नीचे आके एडिशनल सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शंस ओपन करिए। नीचे जाकर USB डीबगिंग को ऑन कीजिए। ये आपके टाइम वेस्ट करने का तरीका है MIUI की तरफ से। टिक करके ओके पे टैप कीजिए। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके OEM अनलॉकिंग को ऑन करिए, फिर एनेबल पे टैप कीजिए। उसके बाद ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर डाल के इस सर्कल को टिक कीजिए और नेक्स्ट पे टैप कीजिए। अपना पासवर्ड एंटर कीजिए और साइन इन कीजिए। बैक आके यहाँ पे अगर आपका MI अकाउंट नंबर दिख रहा है तो डिवाइस सक्सेसफुली साइन इन हो चुका है। ये सब करने के बाद अपना बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको 7 days वेट करना पड़ेगा। व्हाट? बहुत वायाद सिस्टम है, लेकिन आपको वेट करना ही पड़ेगा। इससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। यस गाइस, ये है MIUI दिवाला। One eternity later. वेलकम बैक 7 जन्म के बाद। अपना कोई फेवरेट ब्राउजर ओपन कीजिए और सर्च कीजिए पिक्सल एक्सपीरियंस और ओपन कीजिए फर्स्ट लिंक को। डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए Xiaomi कुछ भी है और उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको सारे MI फोन्स के लिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे आप पिक्सल एक्सपीरियंस यानी स्टॉक एंड्रॉयड इंस्टॉल कर सकते हो। आज के वीडियो में रेडमी नोट 11 पे इंस्टॉल कर रहा हो, आप अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका पेज ओपन कीजिए। प्लस एडिशन पे क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको रिकवरी को डाउनलोड करना है, तो बटन दबा दो, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ऐसा मैसेज आएगा, कीप पे क्लिक कीजिए। वापस आके डाउनलोड बिल्ड पे क्लिक कीजिए और आपका बिल्ड डाउनलोड हो जाएगा। भैया एक सिंपल सी बात है, डाउनलोड होने के लिए टाइम लेता है, तो उस समय पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद गूगल में जाके सर्च कीजिए प्लेटफॉर्म टूल्स और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज पे क्लिक कीजिए। एक और विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए, टिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। बस फाइनली लास्ट में सर्च कीजिए MI अनलॉक टूल, फर्स्ट लिंक को ओपन कर लीजिए और उसको डाउनलोड कीजिए। ओके, डाउनलोडिंग का पूरा काम हो चुका है। प्लेटफॉर्म टूल्स और MI फ्लैश अनलॉक टूल को अनजिप कीजिए और जिप फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए भूल गया मैं, सॉरी। फिर से ब्राउजर ओपन करके सर्च कीजिए ADB ड्राइवर्स, ओपन कीजिए XDA डेवलपर्स का लिंक और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और उसका फोल्डर ओपन करके उस फाइल पे डबल क्लिक कीजिए। एक विंडो ओपन हो जाएगा, Y प्रेस करके एंटर दबाइए, फिर से सेम थिंग और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद फिनिश। अब ADB ड्राइवर्स को डिलीट कर सकते हैं। MI फ्लैश अनलॉक टूल फोल्डर को ओपन कीजिए, इस फाइल को ओपन कीजिए, अग्री पे क्लिक कीजिए और अपने फ़ोन नंबर के साथ लॉगिन कीजिए। एक OTP आएगा आपके फ़ोन नंबर पे, उसको एंटर करके लॉगिन कर लीजिए। चेकिंग इफ़ योर MI अकाउंट हैज़ परमिशन से, अभी जल्दी करना बहुत। अब फ़ोन को USB केबल से अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लीजिए और उसको शट डाउन कीजिए यानी स्विच ऑफ। और यहाँ से हम जो भी करने वाले हैं बहुत ध्यान से करिए। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखिए जब तक ये फास्ट बूट का लोगो आ जाए। अब कंप्यूटर पे फ़ोन कनेक्टेड का एक मैसेज आएगा, अगर ये मैसेज नहीं आ रहा है इस विंडो को मिनिमाइज कीजिए और MIUSB ड्राइवर पे डबल क्लिक कीजिए। कनेक्ट योर डिवाइस अगेन, ठीक है भाई कर लेते हैं, और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अब पहले वाले विंडो पे जाइए और फ़ोन कनेक्टेड का मैसेज आपको भी आ जाएगा और फाइनली बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं। दिखा दो भाई, जितना मर्जी है दिखा दो वार्निंग मैसेज, सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दो इसी में। फाइनली अनलॉक हो रहा है।
आपका फ़ोन एकदम नया जैसे बन जाएगा, तो स्टार्टिंग से आपको सेटअप करना पड़ेगा। फिर से सेटिंग्स में जाइए और डेवलपर ऑप्शंस इनेबल कीजिए, अबाउट फोन, MIUI वर्जन, टैप 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 टैप, योर नाउ अ डेवलपर, वेरी गुड, थैंक यू। चलते हैं डेवलपर ऑप्शंस में, बैक जाइए, एडिशनल सेटिंग्स में जाइए, डेवलपर ऑप्शंस, और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके USB डीबगिंग ऑन करते हैं। एक और वार्निंग मैसेज, क्यों? चलो टिक करके खत्म कर देते, और क्या कर सकते। ये एक पॉपअप आएगा जिस पे एक टिक मार्क रहेगा, उसको टिक करके ओके क्लिक कीजिए, और ये हो गया फोन तैयार पिक्सल एक्सपीरियंस इंस्टॉल करने के लिए। MIUI। चलो चलते हैं कंप्यूटर पे और ओपन कीजिए प्लेटफॉर्म टूल्स। एक और फोल्डर है उसमें, उसको भी ओपन कर लीजिए। इस एड्रेस बार पे टाइप कीजिए CMD, उसके बाद एंटर। एक कमेंट प्रॉम्प्ट विंडो आ जाएगा, यहाँ पर टाइप कीजिए ADB डिवाइसेस, उसके बाद एंटर। स्पेलिंग देख के टाइप करना, रिक्वेस्ट है। यहाँ पे दिखा देगा लिस्ट ऑफ अटैच्ड डिवाइसेस, अगर ऐसे नहीं आ रहा है ADB ड्राइवर्स को रीइंस्टॉल कीजिए, विंडोज को रीस्टार्ट करके फिर से ट्राई कीजिए। उसके बाद टाइप करते हैं ADB रीबूट बूटलोडर, उसके बाद एंटर। ओह माय गॉड, फोन अपने आप बंद हो गया। फोन पे आएगा फास्ट बूट लोगो, उसके बाद टाइप कीजिए फास्ट बूट डिवाइसेस। यहाँ पे एक सीरियल नंबर दिखाता है, अगर ये नहीं आ रहा है तो MIUSB ड्राइवर को डबल क्लिक कीजिए, फोन को रीकनेक्ट कीजिए और फिर से ये कमेंट टाइप कीजिए, कनेक्टेड का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद टाइप कीजिए फास्ट बूट फ्लैश बूट, एक स्पेस छोड़ के इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, उसके बाद एंटर। कंग्रेचुलेशंस, बूट लोडर इंस्टॉल हो चुका है। ये काम ना थोड़ा सा ध्यान से करना, वॉल्यूम अप और पावर बटन दबा के रखना, MI का लोगो आएगा, जब वो आएगा इमीडिएटली छोड़ देना। अरे भाई बटन को। और ये आ चुका है पिक्सल एक्सपीरियंस का बूट लोडर। फैक्ट्री रीसेट पे टैप कीजिए, फॉर्मेट डेटा पे टैप कीजिए और आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद बैक आइए, अप्लाई अपडेट पे टैप कीजिए और अप्लाई फ्रॉम ADB पे टैप कीजिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है ADB साइड लोड, स्पेस छोड़ के इस जिप फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, उसके बाद एंटर। ये फाइल कॉपी होने के बाद फोन अपने आप अपडेट करना शुरू कर देता है। ये अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन वीडियो के लिए मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है। ओके, अपडेट हो चुका है, तो अब बैक आके फोन को रीबूट करते हैं। फर्स्ट टाइम बूट होने के लिए बहुत टाइम लेता है, तो आपको आराम से वेट करना पड़ेगा। वेलकम टू योर पिक्सल सेटअप पेज पे हम आ चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ और अपने यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो लगभग 2 महीना हो चुका है पिक्सल एक्सपीरियंस इंस्टॉल करने के बाद, और प्रॉब्लम्स तो है, कस्टम रोम है, प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही। सबसे पहले जब आप इसको यूज़ करते हो तो स्क्रीन थोड़ा सा, मतलब इतना स्मूथ नहीं रहेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सा फिक्स है। सेटिंग्स में जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करके डिस्प्ले पे आइए, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करके ये ऑप्शन मिल जाएगा कलर्स। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कौन से सेटिंग पे था, बेसिकली इसको नेचुरल पे रखना है। जैसे कि आप देख सकते हो डिस्प्ले स्मूथ हो चुका है। बाय द वे 90Hz सेट करने के लिए मिनिमम रिफ्रेश रेट को 60p कीजिए और मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। अभी है 60Hz पे और अब 90Hz पे। वेरी नाइस, ये भी काम कर रहा है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कैमरा। इसमें जो आता है डिफॉल्ट, वो बहुत बुरा है, आप उससे कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। तो एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक मिल जाएगा आपको। 8.5.300_A10 लेटेस्ट वर्जन जो भी है उस पर टैप कीजिए और स्नैप 3D फाइल को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कीजिए और सारी परमिशंस को इनेबल कीजिए। सबसे पहले इस सेटिंग्स के गियर पे टैप करते हैं और फिर मोर सेटिंग्स, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोड्स पे टैप कीजिए, हार्डवेयर लेवल को ऑटो से फुल पे टैप कीजिए और पूरा नीचे स्क्रॉल डाउन करके इन दो ऑप्शंस को इनेबल कीजिए। बैक आते हैं, एडवांस्ड ऑप्शंस में आपको ड्रॉपलेस JPEG इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। बैक आते हैं और यहाँ पे एक लास्ट सेटिंग को चेंज करना है, कैमरा फोटो रेजोल्यूशन को मैक्स रेजोल्यूशन कर लीजिए और बस हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब फ़ोन का कैमरा पूरी तरीके से काम करता है, इसको ओके कर देते हैं और ये देखिए, ये हो गया मेन लेंस और ये है मैक्रो और ये है अल्ट्रा वाइड। दैट इज़ इट, कैमरा पूरी तरीके से
काम करता है। उसके बाद आता है अपडेट्स। तो अपडेट्स आपको नॉर्मल एंड्रॉयड की तरह इसमें भी OTA अपडेट्स मिल जाएगा। तो सिंपली सेटिंग्स ओपन कीजिए, पूरा नीचे स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम में जाइए और सिस्टम अपडेट, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी सिस्टम अपडेट रेडी है। अभी के लिए इसको पॉज कर लेता हूँ और ये देखिए फिंगरप्रिंट रीडर इतना तेज़ काम कर रहा है। इसी तरह से वाईफाई, वाईफाई कॉलिंग, वॉइस रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, हाई रिफ्रेश रेट, फेस अनलॉक और सारे मेजर फीचर्स परफेक्टली काम करते हैं। सो दैट इज़ इट गाइस। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है ज़रूर कमेंट डाउन करना, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कन्वर्ट करिए आपका रेडमी फ़ोन गूगल पिक्सल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।